हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। हैप्पी दिवाली। आज हम बनाने वाले हैं दिए। हाँ, दिए, वो भी कागज़ से। आज हम दिए कागज़ से बनाएंगे और ये आपने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, पर आज इस चैनल में आप देखेंगे। तो बिना देर किए चलो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। दोस्तों, यहाँ से वीडियो का मेन पार्ट चालू होता है, तो इसे यहाँ पे स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि दिया कैसे बनाए। तो इसमें से पानी को निकाल देना है, जैसे कि आप किसी आटे के साथ करती हैं। ये बहुत चिपचिपा है। इसमें सारा पानी निकल चुका है। तो अपने दोनों हाथों को लीजिए और इसे ऐसे ऐसे मसलिए, जैसे कि आप कोई रोटी बना रहे हैं। ज़्यादा नहीं मसलना है, तो थोड़ा सा, तो इसमें बिल्कुल चपटा कर देगा। आप देख सकते हैं कैसे चपटा किया है मैंने। अभी जो इसमें से बहुत ज़्यादा पानी निकलेगा, तो आप पानी इसके बाउल के अंदर डाल दीजिएगा। देखिए कितना ज़्यादा पानी निकल रहा है। अब आप इसे शेप दीजिए। शेप ये सोच के दीजिएगा कि आप किसी आटे के साथ ही खेल रहे हैं। इसे नीचे पर बिल्कुल मत समझिएगा, क्योंकि पानी और ग्लू मिलने के बाद बिल्कुल ये आटे की तरह नरम हो चुका है। ये देखिए कितने आसानी से शेप आ रहा है, बिल्कुल जैसे एक आटे के साथ खेलते हैं या चिले के साथ खेलते हैं। आप थोड़ा सा पानी ले सकते हैं अगर ये कठोर हो तो, और इसे अपनी अंगुलियों की सहायता के साथ शेप देना आरंभ कर दो। आप इसे अपनी मन मर्जी का शेप भी दे सकते हैं, स्क्वायर, ट्राइंगल, एक्सेट्रा, या फिर इसे डीए का शेप भी दे सकते हैं। आपको ये गीला न्यूज़पेपर लेना है और इसको वापस से ऊपर से लगाना है, जैसे कि ये प्लेन हो सके। जैसे कि किसी ईंट के ऊपर सीमेंट से करते हैं, वैसे ही आपको इसे बिल्कुल लेवलिंग से प्लेन करना है। ये गीला न्यूज़पेपर बिल्कुल एक सीमेंट की तरफ आप कार्य करेगा। और कोई भी प्लेन सरफेस, जैसे कि कोई सा बोर्ड या एग्जाम बोर्ड दिखा देते हैं। अब इसे हम आराम से रखेंगे बिल्कुल सरल। अब यही हमारा दिया सूखेगा। पहले हम इसे अंदर की तरह दबा देते हैं, जैसे हमें जगह मिले। ऊपर फेविकोल लगाएंगे, जिससे अगर इसका कोई छेद बचा हो तो वो भी खत्म हो जाए या भर जाए। अब अपनी अंगुली की सहायता से इसे फैला दीजिए। ग्लू डालने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करो। आपको जितना मजबूत दिया चाहिए, आपको उतनी ही ज़्यादा ग्लू डालनी होगी।
देखिए ये कितना सख्त मजबूत हो चुका है। यह सूखने के बाद एक मिट्टी के दिए की तरह ही लगेगा। अब बारी है इस पे पेंट करने की, तो चलो अपने ब्रश निकाल लीजिए और हम पेंट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं पीछे की तरफ कर रहा हूँ रेड कलर, आपको जो कलर पसंद हो आप वो कर सकते हैं। आप मोटे ब्रश का ही इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि मोटा ब्रश बहुत जल्दी काम करेगा और आपको बहुत तेज तेज इसको नहीं चलाना है। ये देखिए इस पे कलर कितना अच्छा लग रहा है। अगर आपको अपने दिए खूबसूरत लगाने हैं तो आप इसमें सिर्फ ब्राइट कलर से कीजिए, पर अगर आपको डार्क कलर अच्छे लगते हैं तो आप डार्क कलर भी कर सकते हैं, पर आपको उनको व्हाइट कलर के साथ मिलाना होगा। वैसे दोस्तों आपको अपने हाथ के बनाए हुए दिए अच्छे लगते हैं कि चाइना के दिए अच्छे लगते हैं मुझे कमेंट करिएगा। अब जब तक हमारा दिया सूख रहा है जब तक हम बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। अब हम लेंगे कुछ कैंडल्स और इसे तोड़ेंगे। ये देख सकते हैं आप ये टूट चुकी हैं। आप इस सबको साइड हटा दीजिए। अब हम एक बाउल लेंगे, उसमें कैंडल्स डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर इसे माइक्रोवेव ये देखिए मेल्ट होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए धागा लग गया और बिल्कुल सीधा लगा है। अब आप इसमें अपना मेल्टेड कैंडल डालिए। कैंडल हिसाब का ही डालिएगा। ये देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब आप इसे थोड़ी देर के लिए सूखने के लिए रख दीजिए, ये आधा घंटा लेगा। तो चलिए आधे घंटे तक इंतजार करते हैं। देखिए दिए सूखने के बाद कुछ ऐसे लगेंगे। आप देख सकते हैं ऊपर का मोम सूख चुका है। अब हम इसे जलाने वाले हैं। ये देखिए जलने के बाद कितने अच्छे लग रहे हैं। क्या आपको विश्वास हो रहा है कि ये दिए कागज से बने हुए हैं? ऐसा ही लग रहा है ना, मिट्टी के दिए जल रहे हैं। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, इन दियों से अपने कागज को कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि क्योंकि एक बार दिए में पानी और फेविकोल डाल देंगे तो फिर वो जलेगा नहीं। देख लीजिए कितने आसानी से जल रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस दिवाली ये इको फ्रेंडली दिए जलाइएगा। शुक्रिया।